तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम मोस्ट अवेटेड और मोस्ट डिमांडेड वीडियो में बात करने वाले हैं, हाउ टू स्कोर 80 प्लस मार्क्स इन SSC MTS एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे पास SSC MTS के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बच गया है। SSC MTS का एग्ज़ाम जो 5 जुलाई से 22 जुलाई तक होने वाला है और आज तारीख लगभग 20 जुलाई हो चुकी है, यानी कि हमारे पास 15 दिन से भी कम समय है। इस समय हमें अधिकतर अपना टाइम MTS के मॉक पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। यदि हम चाहें कि हमें 2022 में SSC MTS में सिलेक्शन ले, तो कम से कम यदि आपने किसी भी स्टेट किसी भी रीजन से फॉर्म भरा है तो आपको 85 प्लस मार्क्स तो चाहिए 85 प्लस मार्क्स या 80 प्लस मार्क्स भी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम SSC MTS एग्ज़ाम में 80 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है SSC MTS एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए वन एंड थर्टी मिनट का हमें टाइम मिलता है। इस टाइम में ये टाइम प्रॉपर है, ये बहुत ही अच्छा टाइम है। जैसे कि SSC CHSL और यदि हम CGL की बात करें, वहाँ पे 100 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा होता है, परंतु हमारे पास यहाँ पे 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से अटैम्प्ट किए जा सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कैसे नंबर हम गेन करेंगे। मैथ 25, रीजनिंग 25, इंग्लिश 25 और GA GS 25 मार्क्स के होते हैं। यदि हमें 80 प्लस मार्क्स ऑब्टेंड करने हैं तो हमें पूरा ध्यान अपना मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे देना होगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि मैथ में हमें कम से कम 23 मार्क्स, रीजनिंग में 23, इंग्लिश में 20 मार्क्स हमें गेन करना पड़ेगा। SSC MTS की इंग्लिश जो है बहुत ही आसान पूछी जाती है। यदि आपको यहाँ पे केवल वोकेबलरी और ग्रामर का अच्छा ज्ञान है तो आप SSC MTS की इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25 भी स्कोर कर सकते हो। फिर भी हमने यहाँ पे 20 मार्क्स लिया है क्योंकि अधिकतर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है, ठीक है। यदि हम बात करें GK GS की, GK GS जो है अपने आप में विशाल है, कितना भी पढ़ लो वो कम है, ठीक है। तो इसमें जो है अधिकतर बच्चों की जो एवरेज मार्क्स है वो 14 से लेके 15 14-15 मार्क्स ही रहते हैं। तो यदि हम यहाँ पे 14 मार्क्स ही लेके चले तो तुम्हारे कितने हो गए, 23 46 प्लस 14 60 प्लस 20 80 मार्क्स। यदि हमारे 80 मार्क्स रो मार्क्स हैं तो ये नॉर्मलाइज होके 85 प्लस हो जाएंगे, 85 प्लस या 85 के आसपास आ जाएंगे। और 80 प्लस या 85 प्लस मार्क्स काफ़ी इनफ है किसी भी स्टेट या किसी भी रीजन से क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि हम SSC MTS के मैथ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आए तो कमेंट करें, और उसके बाद हम GK GS के भी स्टैटिक GK और जो करंट अफेयर है उस पर वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ बात होती है कि हम मैथ में 23 नंबर कैसे लें, रीजनिंग में 23 नंबर कैसे लें और इंग्लिश में 20 नंबर कैसे गेन करें। तो सबसे पहले मैथ का जो SSC MTS में मैथ पूछी जाती है, ये बहुत ही सिंपल तो नहीं बोलेंगे पर नॉर्मल पूछी जाती है। यदि आपको केवल कॉन्सेप्ट का ज्ञान है तब भी आप SSC MTS के मैथ में 23 नंबर गेन कर सकते हो। MTS के एग्ज़ाम में जो मैथ है उसके लिए आपको RS अग्रवाल बुक करनी चाहिए। RS अग्रवाल की जो बुक है वो नॉर्मली है, ठीक है। यदि आपने वो बुक कर ली है तो भी आपको पूरा ध्यान देना है मॉक पे, और मॉक भी कौन से मारने हैं जो 2021 में पेपर हुए थे, लगभग 42 शिफ्ट हुए हैं SSC MTS के 2021 में, 42 शिफ्ट हुए हैं। आपको पूरे के पूरे 42 शिफ्ट सॉल्व करने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं मैथ के और रीजनिंग के। जो सवाल आपसे नहीं होते वो कमेंट करें, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। इसके बाद यदि आपने 2021 के 42 शिफ्ट सॉल्व कर लिए हैं तो अभी जो हाल ही में CGL के जो CGL 2000 जो मई में हुआ है, CGL के एग्ज़ाम जो मई में हुआ है उसके जितने भी शिफ्ट हैं, उसके जितने भी 21 शिफ्ट हुए हैं उसके मैथ के पेपर सोल्व करें। उसमें आपको एडवांस मैथ पे ध्यान ना देकर केवल अर्थमैटिक पे ध्यान देना है। और अभी जो हाल ही में CHSL के एग्ज़ाम खत्म हुए हैं 10 जून को, उसकी भी आंसर की लगभग 4-5 दिन में आ जाएगी। तो उसके आंसर के आने के बाद भी आपको उसमें भी अर्थमैटिक पे ध्यान देना है, क्योंकि आने वाले जो समय है, जो अभी अगले महीने जुलाई में जो SSC MTS के क्वेश्चन होंगे वो सेम टू सेम लगभग उन्हीं पेपरों पर बेस होंगे, ठीक है। तो आगे हम बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी बुक को प्रीफर करें, ठीक है। तो अभी आपको केवल ही पूरा का पूरा ध्यान मॉक पे ही देना है। रीजनिंग में जितने मॉक मारो उतने कम हैं, डेली एक मॉक आप मार सकते हो, ठीक है। एक सेक्शनल, एक तो है तुम्हें मारना है सेक्शनल मॉक रीजनिंग का, और एक प्रॉपर मॉक मारना है जैसे CGL हो गया या CHSL हो गया, यदि आपके MTS पूरे हो चुके हैं तो, ठीक है। बात करें इंग्लिश में, इंग्लिश का जो पेनिसिया बोलते हैं हम, रामबान,
वो है नीतू मैम की बुक जिसे प्लिंट टू पैरामाउंट भी कहा जाता है। उसमें से पहले आप वोकैबुलरी ख़त्म करो और ग्रामर के रूल याद कर लो, उतना काफ़ी इनफ है इंग्लिश के लिए। और SSC इंग्लिश में ये पाया गया है कि SSC अपनी जो इंग्लिश है वो बार बार रिपीट करती रहती है, ठीक है। तो 2021 के जितने भी पेपर MTS के हुए हैं उसमें ग्रामर के रूल, जो एंटो है, साइनो है, वन वर्ड है, ईडियम है, उन्हें बार बार रिविजन करते रहो, ठीक है। और अंतिम जो है GAGS, GKGS जो है, इसमें अभी आपके पास केवल 15 से 20 दिन बाकी है, तो यहाँ पे आप लूसेंट के पीछे मत भागो, ठीक है। अभी जो है जो भी आंसर की आएगी CHSL की, उसमें से आपको ध्यान देना है। और करंट अफेयर जो है लास्ट वन ईयर की करंट अफेयर आप कर सकते हो। अभी डेली बेसिस पे नहीं करना है, ठीक है, आप मंथली कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर अभी करना है आपको, ठीक है, प्रीवियस वन ईयर की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।